दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जिसका इस्तेमाल आप अपनी कार में कर सकते हैं और साथ ही ये गैजेट एकदम अभी अभी लॉन्च हुए हैं, यानी कि इससे पहले हो सकता है आपने न देखे हो। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की जहां पर आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 5 NV350 कार्बन ऑफिस पॉट। दोस्तों जब बात आती है ऑफिस की तो हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि एक बंद कमरा है जहां पर ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जहां पर लोग बैठकर काम कर रहे हैं, यानी कि हमेशा से ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। कभी वो केबिन में बदल जाता है, कभी छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। तो अगर आप इसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और एक ऐसा कस्टमाइज ऑफिस तैयार करना चाहते हैं जो कि देखने में भी बेहतर लगे और साथ ही इस्तेमाल करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जिससे कि आपकी कार में फिट किया जाता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम का चलन है लेकिन ये गैजेट आपकी वर्क फ्रॉम कार को प्रीफर करता है, जहां पर आप इसकी एक बटन दबाते ही अपनी गाड़ी से बाहर ला पाएंगे और इसके बाहर आते ही आपका ओपन स्पेस में एक छोटा सा ऑफिस तैयार हो जाएगा जहां पर एक छोटी सी टेबल पड़ी होगी और एक छोटी सी चेयर, जहां पर काम करने का मजा ही कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जहां पर आप हमेशा अपने ऑफिस को साथ में लेकर चल सकते हैं, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। नंबर 4 डिजिटल कॉकपिट 2021। अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य की कार कैसी होंगी तो सैमसंग की तरफ से आने वाली इस कॉन्सेप्ट कार को देखकर आप वाकई भौचक्के रह जाएंगे। दोस्तों दरअसल डिजिटल कॉकपिट जो होता है वो आपने एरोप्लेन में तो देखा होगा, लेकिन कार के अंदर ये चीज काफी बड़ी बात रहती है क्योंकि ज्यादातर चीजें कार के अंदर मैन्युअली ऑपरेट होती है। हालांकि आजकल की गाड़ियों में धीरे धीरे चीजों को डिजिटल बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इस कार की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सारी चीजें आपको एकदम डिजिटल फॉर्म में दिखाई देगी, जहाँ पर आप ड्राइविंग से लेकर काफी सारी चीजों का मजा एकदम डिजिटली ले सकते हैं। सामने की तरफ विंडशील्ड होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक टीवी भी दे रखी होगी जिससे कि आप सिंगल बटन दबाते ही फौरन ये आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप ढेर सारे कामों को निपटा पाएंगे। साथ ही इसमें आपके गियर की जगह भी एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होगी जहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कार को किस तरीके से ऑपरेट करना है। ये कार कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी कि इसमें ऑटो ड्राइविंग के सिस्टम होंगे, यानी कि आपको कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी बल्कि आप इसमें एक बटन को दबाते ही इसे सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं। तो कमाल के फीचर्स से लैस होने वाली है ये गाड़ी, जो कि हो सकता है भविष्य में आपको देखने को मिले। तो फिलहाल आप मेरे को कमेंट करके ये बताइएगा कि आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है और किस गाड़ी का कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। नंबर 3 Zentec डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। दोस्तों गाड़ियों की सेफ्टी के लिए कैमरास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि दोस्तों आजकल की गाड़ियों में कैमरा लगे लगाए आते हैं, लेकिन उनका एक अपना फिक्स एंगल होता है, सिर्फ आप उनसे लिमिटेड एरिया को ही देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जहां पर आपको मल्टीपल कैमरास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको आगे और पीछे की तरफ के लिए तो कैमरास मिलते ही है, साथ ही कार की अंदर की रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको कैमरास दे रखे होंगे जिससे कि आप अपनी फनी मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग इसके क्लाउड स्टोरेज पर जाती है, जहां पर आप इसे मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही आप अपने रास्ते के कुछ खास मोमेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। तो काफी मजेदार रहता है इस तरीके का गैजेट जिसका इस्तेमाल आप अपनी कार में कर सकते हैं। नंबर 2 पैनासोनिक हुड। दोस्तों गाड़ियों को और हाईटेक बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी नेविगेशन और ड्राइविंग करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जो कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है ड्राइविंग करते वक्त, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग स्किल को और बेहतरीन बनाने के लिए। ये रोड्स की लेन को डिटेक्ट करता है, साथ ही आगे आने वाली गाड़ी को भी डिटेक्ट कर लेता है, और कोई क्रॉसिंग वगैरह आ रही है तो ये पहले ही आपको अवेयर कर देगा, यानी कि ये रास्ते के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा। साथ ही साइड से आने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखता है, जिससे कि कोई साइड से आ रहा होता है तो पहले ही ये आपको इन्फॉर्म कर देता है, जो कि सेफ्टी को लेकर काफी बेहतर रहेगा। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा कमाल का होता है, जो कि पैनासोनिक की तरफ से आता है, जो कि ड्राइविंग को और भी सेफ बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 1 हिच फायर माउंटेड ग्रिल। दोस्तों गाड़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसमें कहीं ना कहीं कोई सामान ऐसा बच जाता है जिसे कि हमें कभी ना कभी एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप किसी कैंपिंग पर जा रहे हो और आप ग्रिल सैंडविच खाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कार में एक ग्रिल को कैरी करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको दिया जाता है एक ऐसा माउंट जिसमें कि आप अपनी ग्रिल को आसानी से लेकर कैरी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने साथ बाइसिकल या फिर चेयर्स वगैरह को भी ले जा रहे हैं तो इसमें आपको उसका भी एक माउंट दे रखा होता है जिसमें कि आप उसे भी आसानी से कैरी कर पाएंगे। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के फीचर्स देता है, जहां पर आप अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से कार में ही कैरी कर सकते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद आया है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।